हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग फाइबोनाची फाइंडिंग नाम की एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम भले ही इजी मार्क्ड है, बट मैं इस प्रॉब्लम को हार्ड लेवल की प्रॉब्लम मानूंगा। और इसको सॉल्व करने से पहले आपके पास दो तीन आइडियाज होने चाहिए। पहला है मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का, दूसरा फाइबोनाची फाइंडिंग यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन। तो ये दोनों का आइडिया आपके पास अगर होगा तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन आपको याद होगा कि हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमें ए रेस टू द पावर बी फाइंड करना है और ए रेस टू द पावर बी की जब वैल्यू ज़्यादा होने लगती है तो हम क्या करते हैं कि वाइल फाइंडिंग इट रिकर्सिवली हम मॉड्यूलस कंप्यूट करते करते आगे की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। तो आपको ये पता होगा कि अगर हम a मल्टीप्लाइड विद b फाइंड कर रहे हैं और अगर ये बड़ी वैल्यू होने जा रही है तो हम क्या कर देते हैं कि इसकी वैल्यू को मॉड्यूलस ले लेते हैं विद सम वैल्यू मॉड। यूजुअली कॉम्पिटिटिव कोडिंग में या जो हैकर रैंक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो मॉड्यूलस लिया जाता है वो 10^9+7 वैल्यू से लिया जाता है। और जब भी नंबर हमारा इतना बड़ा होगा तो हम निश्चित रूप से अपने वेरिएबल को लॉन्ग लॉन्ग टाइप कर रखेंगे जहाँ पे हम कंप्यूटेशंस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी करेंगे कि हम जब छोटे जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो बड़े नंबर्स हो जाएंगे, तो वो एकोमोडेट हो जाना चाहिए हमारे किसी वेरिएबल में। तो लॉन्ग लॉन्ग में ही हम इसको स्टोर करेंगे और उसके बाद फिर हम मॉड्यूलस ले लेंगे जिससे कि हम लिमिट से बाहर जा रही क्वान्टिटीज़ को वेरिएबल के लिमिट के अंदर रहने के लिए इंश्योर कर लें। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं। सो यू आर गिवन थ्री नंबर्स ए बी एंड एन एंड यू ऑल हैव टू डू दिस। फाइंड द नंबर एफ एन वेयर एफ जीरो इज इक्वल्स टू ए, एफ वन इज इक्वल्स टू बी एंड एफ आई इज इक्वल्स टू एफ आई माइनस वन प्लस एफ आई माइनस टू। आई होप यू विल बी रिकॉलिंग कि ये बिल्कुल ही जो हमारी रूटीन फाइबोनाची सीरीज है उस जैसा ही है, और जहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू 0 होती थी, F1 की वैल्यू 1 होती थी और F2 ऑनवर्ड्स हम कैसे फाइंड करते थे, F2 इज इक्वल्स टू F0 प्लस F1, वी यूज टू फाइंड F3S, F2 प्लस F1, वी यूज टू फाइंड F4S, F3 प्लस S2, F2। तो सेम यही यहाँ पे चीज है कि अगर हम कोई नेक्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं तो उसका उसकी जो वैल्यू होगी वो प्रीवियस टू टर्म्स के सम के इक्वल होगी। एज द नंबर कैन बी वेरी लार्ज आउटपुट इट मॉड्यूलो 10^9+7, एज आई ऑलरेडी सेड ये जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। नाउ इसके लिए जो सजेस्टेड मेथड है, देखिए कि जो फाइबोनाची सीरीज में मैट्रिक्स फॉर्म में हम फाइंड करते हैं वही यहाँ पे सजेस्टेड मेथड दिया है। ऐसा इसलिए है कि आइए इसके कंस्ट्रेंट को पढ़ते हैं जिससे आप शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेथड ही क्यों इसमें रिक्वायर्ड है। सो देर विल बी 10^3 टेस्ट केसेस। 1000 टेस्ट केसेस का मतलब है 10^3 टेस्ट केसेस, और ए बी और जो एन की वैल्यू है वो 10^9 तक हो सकती है। तो अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है किसी सीरीज का तो जो सिंपल मेथड है वो ये कहता है कि आप प्रीवियस टू टर्म्स को अगर ऐड करते चलें तो आइटरेटिवली जब आप इसको करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा। एंड ऑर्डर ऑफ एन टाइम मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 10^9 टाइम लगेगा या 10^9 ऑपरेशन होंगे जो कि 10^8 से बड़ा है, और हमें जो टाइम गिवन होता है जिसमें हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो 10^8 टाइम में ही करना है। इसलिए हमें जो भी मेथड अडॉप्ट करना है उसमें हमारा आंसर लॉग एन टाइम में प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। तो केवल मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें लॉग एन टाइम में मैट्रिक्स का पावर दे पाएगा। तो अगर आपको अगर याद हो, मैं एक बार फिर से रिकॉल आपको करा दूं कि हम एक मैट्रिक्स लेते थे जो मैट्रिक्स होती थी 1 0 1 1 एंड 1 0, ये मैट्रिक्स एक लेते थे और इस मैट्रिक्स का पावर एन कैलकुलेट करते थे। इस मैट्रिक्स का पावर एन कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो टर्म आता था वो होता था Fn+1, Fn, Fn और 0। अगर आपने एन टाइम पावर लिया है तो यहाँ पे जो टर्म मिलेगा वो n+1 टर्म मिलेगा। अगर आप इसका पावर n-1 टाइम करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा एफ एन यहाँ पे, एफ एन माइनस वन यहाँ पे,
एफ एन माइनस वन यहाँ पे और यहाँ पे एफ एन माइनस टू, एक करेक्शन आप प्लीज नोट कर लेंगे, यहाँ पे एफ एन माइनस वन है, जीरो नहीं है। सो हमने यहाँ पे देखा कि जो एफ एन है वो हमें जीरो जीरो इंडेक्स पे, अगर ये एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के जीरो 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 रो एंड जीरो कॉलम इंडेक्स पे हमें एफ एन मिलता है। तो यही टास्क हमें यहाँ पे भी करना है कि हम इस तरह से एक मैट्रिक्स का एन माइनस वन पावर कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो हमें आंसर देना है वो कैसे देना है। कैलकुलेट करने के बाद मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई है, इस मैट्रिक्स में ये जो वैल्यूज है वो ए बी सी डी हैं, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स अभी हमने कंसिडर किया था उसका रेस टू द पावर एन माइनस वन है, और यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी हमें इनिशियल टू वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ पे हम लेटर टर्म रखते हैं और यहाँ पे प्रीवियस टर्म रखते हैं। यही काम हमने इस वाली मैट्रिक्स में भी किया था। तो उसके बाद आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस चीज से ए बी नहीं लेते, मान लेते हैं यहाँ पे हमने ए बी की जगह कोई और वैल्यू लिया, एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, इसको जेड ले लिया और इसको डब्ल्यू ले लिया। तो देन इसके बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी इससे, दैट मैट्रिक्स विल बी बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू जेड। ये हमारी वन रो और टू कॉलम की मैट्रिक्स है, और ये हमारी टू रोज एंड टू कॉलम की मैट्रिक्स है। जो हमारा आउटपुट होगा वो वन रो एंड टू कॉलम वाली मैट्रिक्स में मिलेगी। तो इस वन रो एंड टू कॉलम वाली मैट्रिक्स का पहला टर्म ये हो गया, और जो नेक्स्ट टर्म इसका होगा दैट विल बी बी इंटू वाई प्लस ए इंटू डब्ल्यू। इसमें ये वाला जो टर्म होगा वो प्रीवियस टर्म को डिनोट करेगा, नेक्स्ट टर्म को डिनोट करेगा, और ये प्रीवियस टर्म को डिनोट करेगा। तो हमें चूंकि nth टर्म चाहिए तो फैबोनाची सीरीज का जो nth टर्म होगा वो यही होगा, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स हमें मिल रही है इस मैट्रिक्स में जीरो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है हम वही फाइंड करें, या फिर इंडिविजुअली आप केवल इसी टर्म को कैलकुलेट करके रिटर्न कर दीजिए, और ये जो हमारा ऑपरेशन है वो सबसे लास्ट ऑपरेशन है, उससे पहले हमने ऑलरेडी वन वन और वन जीरो इस टाइप की जो मैट्रिक्स हमारी थी उसका पावर एन माइनस वन पहले ही कैलकुलेट कर लिया होगा, उसी का आंसर हमारा ये वाला मैट्रिक्स है। तो जब हमें पावर एन माइनस वन मिल जाएगा देन उसके बाद हम इसमें बी ए से मल्टीप्लीकेशन करेंगे जिससे कि हमें फाइनल टर्म मिल जाएगा। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो काफ़ी लार्ज हैं, इसलिए हमें एक चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा कि सोल्यूशन में यूज होने वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम लॉन्ग लॉन्ग ही लेके चलेंगे। तो आइए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें किस फॉर्मेट में हमसे एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे एक फंक्शन हमें गिवन है जिसमें ए बी और एन की वैल्यू पास है, ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड टर्म है, और एन जो है वो टर्म है जो हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में इन्होंने इंटीजर दे रखा है लेकिन हमें इंटीजर नहीं रिटर्न करना है, याद रखिए कि हमें इंटीजर की जगह लॉन्ग लॉन्ग ही रिटर्न करना है, और जहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है मेन में वेरिएबल हम वहाँ पे भी रिजल्ट को लॉन्ग लॉन्ग कर देंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है इस प्रॉब्लम को, आइए उसको हम देख लेते हैं। सो हियर इज द प्रॉब्लम्स, हियर इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं जो हमें फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन में हमने ए वेरिएबल को लॉन्ग लॉन्ग बना लिया है, बी वेरिएबल को भी लॉन्ग लॉन्ग बना लिया है, और एन वेरिएबल को भी लॉन्ग लॉन्ग बना लिया है। फिर इसके बाद हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं फाइबोनाची एन ए बी, जिसमें एन इज द फर्स्ट टर्म, ए इज दी एन इज दी टर्म जो हमें फाइंड करना है, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड बी इज दी सेकेंड टर्म। सो आइए फाइबोनाची को देखते हैं। फाइबोनाची में हमने एक्सेप्ट कर लिया इनको इन्हीं नेम के वेरिएबल में, एन अपर केस ए एंड अपर केस बी, और उसके बाद हमें एक मैट्रिक्स अपने से मानते हैं वो है एफ मैट्रिक्स जिसमें वैल्यूज वन वन और वन जीरो हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो मैट्रिक्स जिसका हमें पावर फाइंड करना है दैट इज वन वन एंड वन जीरो, इसी फॉर्म में ये मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारा टर्म जीरो टर्म पूछा गया है तो हम ए रिटर्न कर देंगे, और अगर फर्स्ट टर्म रिटर्न किया गया है तो बी रिटर्न करेंगे। आई थिंक कि मैंने शायद थोड़ी देर पहले एन की वैल्यू वन पे ए और एन की वैल्यू टू पे बी बोला था, ये गलत है। यही सही है कि जो जीरो टर्म है वो ए है और जो फर्स्ट टर्म है वो बी है। तो
अगर एन इक्वल्स टू जीरो है तो हम ए रिटर्न कर देते हैं, एन इक्वल्स टू वन है तो हम बी रिटर्न कर देते हैं। अदरवाइज अगर हमें टू या टू से ज्यादा वैल्यू पूछी गई है या सेकेंड टर्म या सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स किसी भी टर्म के लिए पूछा गया है तो हम पावर कैलकुलेट करेंगे इसी एफ मैट्रिक्स का एन माइनस वन पावर। जो एफ मैट्रिक्स हमें मिलेगी उस एफ मैट्रिक्स में लेट्स से हमें ये एफ मैट्रिक्स मिली और इस एफ मैट्रिक्स में ये जीरो जीरो इंडेक्स की वैल्यू है, ये जीरो वन इंडेक्स की वैल्यू है, ये वन जीरो इंडेक्स की वैल्यू है और ये वन वन इंडेक्स की वैल्यू है। तो हमें क्या करना है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन करना है बी और ए वाले मैट्रिक्स का। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि बी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और ए को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और इसके बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा बी इंटू एफ जीरो जीरो प्लस ए इंटू एफ वन जीरो। जो भी वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा, nth टर्म हमारा वही होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमें दो टर्म्स तो जरूर मिलेंगे इस मैट्रिक्स में लेकिन ये वाला हमारे किसी काम का नहीं है तो हम इस वाले टर्म को रिटर्न कर देंगे। तो हमने यही वाला टर्म केवल फाइंड किया है। सो दिस इज द वैल्यू बी इंटू एफ जीरो जीरो प्लस ए इंटू एफ वन जीरो। ना यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि मॉड्यूलस अर्थमेटिक का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन से फिर देन एडिशन से वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन किया गया। तो इसको हम ऐसे माने कि अगर हमारे पास एक एक्स वन है और एक वाई वन है उसको हमें मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बड़ी हो सकती है, फिर हमने इसका मॉड ले लिया। उसके बाद फिर जब हमने एक्स टू और वाई टू को मल्टीप्लाई किया तो ये भी वैल्यू बड़ी हो गई तो हमने इसका भी मॉड ले लिया। फिर इसके बाद जब हमने इनको ऐड किया तो हो सकता है ये भी बड़ी वैल्यू हो जाए तो हमने इन दोनों का भी मॉड ले लिया। यही काम हमने यहाँ पे किया है कि बी इंटू एफ जीरो जीरो मॉड एम, फिर इसके बाद ए इंटू एफ वन जीरो टेन मॉड, फिर जब ऐड कर दिया तो वो वैल्यू बाहर से बड़ी हो सकती है उसके लिए भी हमने एक मॉड ले लिया और ये जो भी आंसर हमारा आया है इसको हम रिटर्न कर देते हैं। एक बार इन फंक्शंस को भी देख लेते हैं जहां हमने पावर फाइंड किया है। हालांकि आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा मेरा, आई होप। मैं कमेंट बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर का जिसमें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन मेथड से हमने फाइंड किया है फाइव एन ए की टर्म, उसका लिंक में डाल दूंगा। तो दिस इज दी पावर फंक्शन। इस पावर फंक्शन में एफ मैट्रिक्स एक गिवन है और पावर एन कैलकुलेट करना है। अगर जीरो है एन की वैल्यू या वन है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं, इस केस में हमें मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम सबसे पहले ए रेज टू द पावर या एफ रेज टू द पावर एन बाई टू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो आंसर है वो एफ में ही स्टोर होगा। इसके बाद अगर हमारा मैट्रिक्स एन बाई पावर एन बाई टू मिल गया है तो हमें क्या करना है, सिंपली एन बाई टू के पावर को और एन बाई टू के पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब ये कि अगर हमें ए पावर एट पूछा गया है तो हमें ए पावर फोर हमने फाइंड कर ही लिया है तो इसको हम अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि हमें ए पावर एट मिल जाएगा। अगर हमने ए पावर एन कैलकुलेट करना है तो हमने ए पावर एन बाई टू कैलकुलेट कर लिया और इसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर लिया जिससे कि हमें ए पावर एन मिल गया। मान लीजिए कि ए पावर एन जो है वो इवन ना होके ऑड होता, फॉर एग्जांपल अगर ए पावर नाइन होता तो हम ए पावर फोर कैलकुलेट करते क्योंकि नाइन बाई टू से हमें फोर मिलता और उसके बाद फिर ए पावर फोर से इसको मल्टीप्लाई करते तो ए पावर एट मिलता जो कि हमें ऑलरेडी इस फंक्शन से मिला हुआ है। लेकिन हमें इसमें एक ए को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ए हमारा जो नंबर है उसके रेस्पेक्ट में लग रहा है लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें दोबारा एक मैट्रिक्स इनिशलाइज करनी पड़ेगी क्योंकि एफ की वैल्यू बार बार चेंज हो जा रही है। तो हमने एक नई मैट्रिक्स एम टू टू ले ली है, वो बिल्कुल ही वही मैट्रिक्स है जो एफ मैट्रिक्स इनिशियली थी वन वन और वन जीरो वाली, और इसको हमने एफ में मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर को हमने एफ में ही स्टोर कर लिया। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स का पावर एन कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद जो भी हमने आंसर देना था वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरह से बी ए मैट्रिक्स को आपको एफ रेज टू द पावर एन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को भी एक बार देख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि एफ मैट्रिक्स है, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ये इसके इंडेक्सेज हैं।
और ये हमारी एम मैट्रिक्स है जिसमें 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 है। तो आपको पता है कि जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन इनसे करेंगे तो जो आंसर है उसको ए मान लीजिए, वो हमने यहाँ स्टोर कर लिया है। सेम यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया कि जब भी आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू रेंज को क्रॉस कर सकता है, तो क्रॉस करने से पहले इसका मॉड ले लीजिए, फिर दूसरी वैल्यू में भी जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया है तो इसका मॉड ले लीजिए, फिर आपने एडिशन साइन बीच में लगाया है तो ऐड करने से भी वैल्यू बड़ी हो सकती है, इसलिए फर्दर इसका मॉड ले लीजिए। तो आपने ए फाइंड कर लिया, फिर इसके बाद इस वैल्यू को जब आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो फर्स्ट रो है, रो नंबर 1, उसके एलिमेंट्स को जब आप इनके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी मिल जाएगा, एंड देन इसके बाद जब इनका मल्टीप्लिकेशन आप इनसे करेंगे तो आपको डी मिल जाएगा। फाइनली आपके पास जो मैट्रिक्स होगी वो ऐसी होगी, ए बी सी डी टाइप की। तो इसीलिए आपने क्या किया कि F00 इज इक्वल्स टू ए, F01 इज इक्वल्स टू बी, F10 इज इक्वल्स टू सी एंड F11 इज इक्वल्स टू डी। तो आपने आंसर एफ मैट्रिक्स में ही स्टोर कर लिया। तो आइए इसके और भी कोई फंक्शन तो मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने सभी फंक्शन को डिस्कस कर लिया है। ये हमारा मेन फंक्शन गिवन था जिसमें फिबोनाची की जो भी वैल्यू आई वो हमने रिटर्न कर दिया है। जो चेंजेस हमने यहाँ पे किया है इनके मेन में, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को भी हमने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, आइटरेट करने के लिए जो वेरिएबल उसको भी हमने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, ए की वैल्यू वो भी लॉन्ग लॉन्ग, बी की वैल्यू वो भी लॉन्ग लॉन्ग, इसी तरह से जो नंबर हमें या जो टर्म फाइंड करना है उसको भी लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, और फाइनली जो रिजल्ट हमें स्टोर करना है उसको भी हमने लॉन्ग लॉन्ग ले लिया। तो रन करके देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि जो सैम्पल टेस्ट केस है वो पास हो गया है। सबमिट करके देखते हैं इसको। यस, यू कैन सी दैट ऑल द टेस्ट केसेस हैव गॉट पास। तो ये एक अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है, आप इसको इजी लेवल की प्रॉब्लम देखते हुए कंफ्यूज मत होइएगा, और सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के ही इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस प्रॉब्लम इज फाइबोनाची फाइंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन विद सम अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग।